गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के तत्वाधान में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर अधिवक्ता सभागार में निषाद आरक्षण महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान निषाद समाज के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भाग लिया, जिसके संबंध में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि हम लोगों ने विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हम लोग लगातार निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन निषाद समाज के लोग वोट लेकर बड़े पदों पर जाकर बैठे हैं और हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं और निषाद समाज को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जब सपा की सरकार थी तो मछुआरों को 3,20,000 रुपए मछुआ आवास के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल 1,20,000 है और अभी तक किसी भी मछुआ को मछुआ आवास की रकम नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से निषाद समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम लोग लगातार निषाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। यदि आरक्षण नहीं मिला तो 2024 के चुनाव में जवाब देने का काम करेंगे। इस अवसर पर सपा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र भूषण निषाद, जिला पंचायत सदस्य बलवंत निषाद, चंद्रिका साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपका भी स्वागत करते हुए अपने नौकरी के कार्यकाल में भी जिनका हम निषाद समाज के लोगों को सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहा है, आपका भी स्वागत करते हुए हमारे देश में श्री राकेश निषाद जी पूर्व प्रधान आदरणीय हर लड़ाइयों ने निषाद महासभा मंडल से संचालन करने वाले डॉक्टर राकेश निषाद जी झड़वा जिला पंचायत के प्रत्याशी भी रहे, हम लोग के बड़े भाई आदरणीय राम रक्षा निषाद जी भी आ गए हैं और इसी के साथ सभी लोगों का स्वागत करते हुए हम डॉक्टर साहब को बुलाने के पहले अपने सम्मानित वक्ताओं से अनुरोध करना चाहूंगा, समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिली हमारी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि विश्व मछुआरा दिवस के अवसर पे हम गोरखपुर जनपद के निषाद समाज के लोगों ने निषाद आरक्षण महापंचायत का आयोजन किया है और हम लोग लगातार निषाद आरक्षण की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो सरकार है, जिन सरकारों को मछुआ समुदाय के लोगों ने बनाने का काम किया है, जिनको अधिकार देने का काम किया है, जिनको राजा बनाने का काम किया है, आज दुर्भाग्य है कि वो लोग निषाद समाज की तरफ नहीं देख रहे हैं। निषाद समाज को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो हम निषाद समाज के लोगों ने ठान लिया है कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी को निषाद समाज के लोग सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। सेंट जोसेफ कॉलेज में मंगलवार को युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि सेंट जोसेफ कॉलेज की छात्राओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसके लिए यहाँ के गवर्निंग बॉडी व फादर को धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा यहाँ के अध्यापक ने भी छात्राओं को अच्छी ट्रेनिंग दिया है, इसके लिए हम यहाँ की छात्राओं के भी आमंत्रित करती हूँ कि वहाँ विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में भाग लें। वहीं इस संबंध में सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रोजर अगस्टीन ने बताया कि पूर्वांचल की आधी आबादी को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने को कृत संकल्पित सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जोसेफिस्टा के नाम से साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता की वार्षिक समारोह का आयोजन युवा महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के एकल नृत्य समूह, नृत्य एवं भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण का आयोजन छात्राओं द्वारा उत्साहपूर्वक किया गया। इस महोत्सव में होने वाली प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहाँ वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर महाविद्यालय के सेक्रेटरी डॉक्टर फादर जोरोम बरसार, फादर संतोष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन व सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फादर रोजर अगस्टीन ने कहा, सेंट जोसेफ कॉलेज की छात्राओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करा और मैं यहाँ की गवर्निंग बॉडी को, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी को और यहाँ के फादर्स को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह का उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और टीचर्स को भी स्पेशली जो बच्चों को इतना अच्छा तैयार करा कि देवर लाइक परफॉर्मिंग लाइक प्रोफेशनल्स। और इस तरह की एक्टिविटी किसी कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और इन छात्राओं को और सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में भी जो इवेंट हो रहे हैं उनमें भी अपनी भागीदारी करें। हम लोगों का ये कल्चरल कॉम्पिटिशन का एक कंक्लूशन के रूप में हम लोग इसको जोसेफिस्टा कहते हैं, जोसेफिस्टा का आयोजन हुआ है जिसमें पूरा एनुअल जितना भी कॉम्पिटिशन है उसका कंक्लूशन है आज। और स्पेशली आज के दिन हम लोग कल्चरल कॉम्पिटिशन में ग्रुप डांसर्स, सोलो डांसर्स, इंडियन कल्चरल प्रेजेंटेशन का कॉम्पिटिशन है जिसमें लगभग 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक आइटम में। और इसके साथ हम लोगों का एनुअल कॉम्पिटिशन कंप्लीट हो रहा है। हमारा ये सब जोसेफिस्टा एनुअल रखने का उद्देश्य यह है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हर लेवल का विकास हो, तो पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स के लिए ज़रूर हम लोग जोर देते हैं, बढ़ावा देते हैं और सर्वांगीण विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। यही है उद्देश्य रखने का। मेरा नाम फादर डॉक्टर रोजर अगस्टिन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ कॉलेज। फॉर सेंट जोसेफ कॉलेज की छात्राओं ने पूर्वांचल नामावली जागरूकता कार्यक्रम के तहत महानगर में महिला युवा मतदाता बने सशक्त सुरक्षित एवं जागरूकता रैली निकाली, जिसके संबंध में सेवा योजना विभाग सेंट जोसेफ कॉलेज व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में यह रैली निकाली गई जिससे कि मतदाता जागरूक हो सके। हम लोगों का प्रयास है कि जो 18 वर्ष के नए मतदाता बनने वाले हैं या वह 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले हैं वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं या जिनके नाम में या किसी तरह की त्रुटि है तो वो व्यक्ति अपना नाम सही करवा सकता है, जिसके लिए ये रैली निकाली गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी जेके पांडे ने कहा, जी ये स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन और सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से यह रैली निकाली जा रही है मतदाता जागरूकता के लिए। विशेषतया ये जो जागरूकता रैली है निर्वाचन नामावली में नामांकन के लिए जो नए मतदाता 18 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुके हैं 1 जनवरी 2024 को उनके नामांकन के लिए है तथा जो निर्वाचन नामावली है उसमें संशोधनों के लिए यह रैली मतदाताओं को जागरूक कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदाता बन सकें। और जो मतदाता बने हुए हैं लेकिन किसी वजह से उनका नामांकन नहीं हो पाया है वो भी अपना संशोधन करवा लें। डॉक्टर जेके पांडे, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, सेंट एंड्रयूज कॉलेज। हलाल प्रोडक्ट को लेकर फूड विभाग ने सिटी मॉल में छापेमारी की। छापेमारी आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है जिसके बाद से ही फूड विभाग सक्रिय हो गया है, जिसको देखते हुए फूड विभाग ने जनपद के मॉल में छापेमारी की और प्रोडक्ट की जाँच की। हालांकि कोई भी प्रोडक्ट हलाल कंपनी का नहीं पाया गया है, जिसके संबंध में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि हलाल से युक्त खाद्य पदार्थों पर प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसको देखते हुए टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, खाद्य पदार्थों की चेकिंग कर रही है। हम लोगों ने अभी तक लगभग 8 जगहों पर छापेमारी की है लेकिन कहीं पर कोई प्रोडक्ट नहीं पाया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यदि कहीं पर हलाल से युक्त खाद्य पदार्थ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। दिख नहीं रहा, इनके पास नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी ने कहा, देखिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के पैकेटों पर FSSAI द्वारा गुणवत्ता के लिए लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन पैरेलल व्यवस्था में हलाल सर्टिफिकेट
कुछ संस्थाओं द्वारा खाद्य पेय पदार्थों पर जारी किया गया है, जिस पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। उस रोक के सिलसिले में हम लोग यहाँ के खाद्य पेय पदार्थों की दुकानों पर जाँच कर रहे हैं और जहाँ पर हालात सर्टिफिकेट संयुक्त कोई खाद्य पदार्थ मिलेगा वहाँ पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ जैसे हम लोगों ने विशाल मेगा मार्ट और स्पेंसर्स KFC और यहाँ पे ऊपर जो है पिज़्ज़ा हट और ये और भी जो 5-7 स्टॉल हैं, इन सब पे अभी जांच करी है। जांच दिन भर चलेगी। अभी इन सब किसी जगहों पे हलाल सर्टिफिकेट युक्त तो कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? महितेंद्र मोहन त्रिपाठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी। अक्षय नवमी के अवसर पर महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। लोगों ने स्नान, पूजन, तर्पण व अन्न दान किया, जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से घर फल प्राप्त होता है, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिसको देखते हुए महिलाओं ने पूजा की और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजा करने आई महिलाओं ने कहा, आज के दिन आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का वास होता है। आज अक्षय नवमी है, आज के दिन हम कुछ भी करते हैं उस अक्षय गुना फल मिलता है, इसलिए आज के दिन हम लोग आंवला की पूजा करते हैं, आंवले का दान करते हैं, आंवले का ही व्यंजन बना करके खाते हैं। इससे धन, वैभव, सुख समृद्धि सब बढ़ती है, आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। अच्छा, कुछ कहानी भी है इसमें? हाँ, इसमें एक आंवला, एक राजा था, वो बहुत आंवला का दान करता था, तो उसका नाम ही आंवलिया राजा था। तो वो बहुत ज़्यादा दान करता था, तो उसके बेटे ने एक दिन मना कर दिया कि आपको इतना आंवला दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। सवा मन करता था कि आपको नहीं करना है, और घर से निकाल दिया। फिर वो दूसरी जगह एक जंगल में जाके रहने लगे राजा। तो 7 दिन तक भूखे प्यासे थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर हम इसकी सत की दीक्षा नहीं करेंगे तो फिर हमको कौन पूजेगा कलयुग में। तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा उनको धन वैभव दिया, सोने के आंवला का पेड़ लगाया। तो फिर वो आंवला का दान करने लगा, और उधर उसके मतलब जो बेटे के बहुत ज़्यादा कमी आ गई हर चीज़ की। तो लोगों ने बोला जंगल में एक आंवला राजा है, आप उसके पास जाइए। तो वो जंगल में आए तो मालूम पड़ा उसी के माता पिता थे। तो उसने उससे माफ़ी मांगी और सब कुछ सब ठीक हो गया उन लोगों के में। रूपा जलान आंवले का पूजा मतलब आज जो है इसकी आप कहानी सुना रहे थे क्या? तो वही कहानी है कि राजा, एक राजा था जो दान करता था आंवले का, सवा मन आंवला सोने का दान करके तभी खाना खाते थे। तो उसका नियम था कि करेंगे तो बेटा बहू सोचे कि इतना धन करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, तो उनको मना कर दिया गया दान करने से। तो घर से निकल गए वो लोग, जंगल में चले गए। फिर वहाँ जाके अपना दूसरा भगवान उनको फिर से उनको भगवान की कृपा से फिर से वो अपना धन उसके पास हो गया, फिर वो दान का करने लगा उसी तरह। यही है, इसी से लोग इसकी पूजा करते हैं। अपना नाम शशिकला।